हेलो दोस्तों, देखिए आज बारिश होने वाली है। इस वजह से बच्चे सारे मतलब इसके पहले के बहुत पहले के ही ओले पड़े थे, इस वजह से करकट सारे फूट गए थे। इस वजह से बारिश होने वाली है तो गाय भैंसों का नीचे चारा रखा हुआ है वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से बच्चों से तिरपाल बिछाई जा रही है। बड़े लोग चढ़ेंगे तो करकट फूट ही जाएगा, इसलिए छोटे बच्चों से तिरपाल बिछाई जा रही है। देखिए बिटिया हमारी बिछा रही है, मम्मी हमारी बगल में बैठी हैं, यहाँ हमारे पास ही बता रही हैं सारा किस तरीके से बिछाना है, तो उसी तरीके से बच्चे सारे बिछा रहे हैं। और जो है इसमें इसके घर के घर में जो है जानवरों का चारा है, भूसा है और ईंधन है लगाने के लिए खाना बनाने वाला सब। बारिश होगी तो सारा गीला हो जाएगा, बनवाया गया था बट फिर भी बारिश होती है तो थोड़ा बहुत गिरने लगता है पानी, इस वजह से बिछा दिया जाएगा तो सारा ख़राब नहीं होगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं बच्चे किस तरीके से बिछा रहे हैं। भाई बच्चों के ऊपर तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है, क्योंकि बच्चों की मेहनत नाजायज़ ना जाए। देखिए बारिश होने वाली है, कितने सारे बादल घिर आए हैं और हमारे गाँव में इतनी सारी मतलब जानवर हैं आके सारे खा जाते हैं, इस वजह से ये लोग सारे इतना सारा बांस लगाए हुए हैं, बांधे हुए हैं। जैसे कहीं कहीं लोग है ना कि लगाते हैं तार बोलते हैं, जैसे काटा वाला, जैसे नासिक वगैरह में लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं, लोग बांस ही से बांधे हैं। देखिए ये गन्ने की खेती है, उधर देखिए बांधे भी हैं जो मैं बता रही हूँ। और देखिए ऊपर से लाइट गई है, यहाँ पे केबल का कनेक्शन उतना है नहीं तो लाइट गई है पीछे से। सागवन के सारे पेड़ लगाए हुए हैं हमारे ही, देखिए सब सागवन के पेड़। ये देखिए भांगड़ा, इसको गांव में बोलते हैं भांगड़ा। इसे लोग क्या है जो नशे वाले होते हैं ना, गांजा पीते हैं, वो उसी में इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए बादल कितना छा गया है, बारिश बस होने ही वाली है, इस वजह से बच्चे सारे वहाँ पर दिखाए ही हूँ लगा रहे हैं। देखिए ये प्याज की खेती है, इसमें प्याज पड़ जाएगी तो निकालने के बाद फिर यूज किया जाएगा। देखिए ये रात रानी का पेड़ है, बगल में फूल है, बहुत ही महकता है, बिल्कुल वो तेल होता है ना जो हिमगंगे, उसी तरह। देखिए हमारे घर के पीछे सारे बगीचे हैं, ये बारिश होने ही वाली है जब भी हो जाए। कुछ लोगों का गेहूँ बचा है जो अभी दाया नहीं गया है। देखिए मैं आप केले का पेड़ दिखाती हूँ जिसमें फल लगे हुए हैं, देखिए केले का गुच्छा कितना बड़ा बड़ा दो लगा है। तो एक और बगल में उस साइड है जो दिखाई नहीं दे रहा, और देखिए नासिक वाला पेड़ है छोटा सा केले का, देखिए छोटा सा है वो। देखिए मैं बता रही थी ना रात रानी का पेड़ है, वो बिल्कुल हिमगंगे तेल की तरह पूरा घर भर देता है। इधर से कोई जल्दी रात में तो बच्चे जाते ही नहीं है, क्योंकि इन सब फूलों में सांप वगैरह सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा रहते हैं। और देखिए बच्चे अभी लगा ही रहे हैं, अभी लगा रहे हैं सब। उस पर जो है बिछाने के बाद ना ईंटा रख के दबाएंगे नहीं, ईंटे सारे रख के उस पर दबा दे रहे हैं, वरना ईंटे नहीं लगाएंगे तो क्या है कि हवा चलेगी तेज़ी में तो सारा उड़ जाएगा, इस वजह से उसको दबा रहे हैं। देखिए पपीते का पेड़ है, इसमें बहुत ही मतलब बड़े बड़े पपीते का फल लगता है, अभी दिख नहीं रहा है, उसको ढक दिया गया है। देखिए बिटिया हमारी लगा रही है, देखिए कब तक लगाती है। मेरे घर के सामने भी खेती का थोड़ा सा क्या वो भिंडी है, सब ये सब लगाया हुआ है। देखिए सब, देखिए लोग लेके जा रहे हैं भूसा भर के, गेहूँ दाए के रखा गया था तो बारिश होने वाली है तो इस वजह से सारे लोग परेशान हैं, अपनी अपनी सामान जो बिखरा हुआ है उसे घर में रख रहे हैं। तो हमने सोचा अपना ये बच्चों से करवा लें। चलिए दोस्तों ये बच्चे तो लगाते रहेंगे, बारिश होने ही वाली है। बाय दोस्तों, चलिए टेक केयर।